सर हेवी फ्लक्चुएशन समझ में नहीं आ रहा है. व्हाट डज द ग्राफ से? स्टॉक्स आर गोइंग अप, स्टॉक्स आर गोइंग डाउन. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू निफ्टी एनालिसिस फ्रॉम tradingfab.in. आज 1 अगस्त 2019 थर्सडे है, सुबह के 8:22 हो रहे हैं. नया मंथ शुरू हो रहा है, पहला दिन है इस मंथ का. थर्सडे है, वीकली एक्सपायरी का दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी इंडेक्स का, तो काफी वोलेटाइल मूव आज देखने को मिल सकता है. कल हमने देखा बुल्स ने कमबैक करने की कोशिश की, हालांकि 200 डेज का जो सिंपल मूविंग एवरेज था वो अभी रेजिस्टेंस का काम कर रहा है. तो क्या होगा, ये एक्सटेंड हो सकती है मूव अपसाइड मूव, या फिर नेक्स्ट सपोर्ट के लेवल्स कहाँ पर आ रहे हैं? अगर टूवर्ड साउथ की तरफ अगर और भी यहाँ से गहराता है ये डाउनफॉल, तो क्या सपोर्ट के लेवल हो सकते हैं, ये आइडेंटिफाई करेंगे. कल फेडरल रिजर्व ने भी इंटरेस्ट रेट कम कर दिया 0.25 बेसिस पॉइंट से, तो इसका असर यूएस मार्केट में कल देखने को मिल रहा था, काफी प्रेशर में दिखाई दे रहा था. चलते हैं कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू करते हैं, फिर निफ्टी का एनालिसिस करेंगे. ये एक पिक्चर है कल का, यानी 31 जुलाई, आफ्टर मार्केट आरसीए पिक्चर लिया हुआ है. अगर आपने हमारा कल का वीडियो देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो उसकी लिंक या ऊपर आई बटन में आपको मिल जाएगी. तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेकआउट लेवल बन रहा था 11,100 और ब्रेक डाउन लेवल बन रहा था 11,072. ये 10 मिनट का निफ्टी इंडेक्स का चार्ट है. जैसे कि आप देख रहे हैं निफ्टी इंडेक्स कल गैप डाउन ओपन हुआ और हमारा जो सेकंड टारगेट था यहाँ पर ही एग्जैक्ट ये इसके आसपास ओपन हुआ, तो यहाँ पर कोई शॉर्ट ट्रेड नहीं बनता शुरू में. और जैसे ये ऊपर आया तो इसने एग्जैक्ट ब्रेक डाउन लेवल के पास यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया और फिर से टूवर्ड्स साउथ की तरफ मूव होने लगा, और सेकेंड टारगेट के पास फिर से एक बार सपोर्ट लेके जैसे ही अपसाइड मूव दिखाने लगा तो हमारा ये जो ब्रेकआउट लेवल था ये शुरू में तो पेनेट्रेट हुआ, और जैसे ही यहाँ पर ब्रेक हुआ तो फर्स्ट टारगेट 11,122 और सेकेंड टारगेट 11,141 ये भी यहाँ पर अचीव हुआ. तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग ऑलमोस्ट 15 पॉइंट्स का यहाँ पर ट्रेडिंग करने का मौका था, और 10 लॉट के हिसाब से अगर ट्रेड करते तो अराउंड 18,750 का यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता था. तो ये था कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू. ग्लोबल मार्केट के हालात देख लेते हैं. कल अमेरिकी बाजार नासडैक 98 पॉइंट की गिरावट के साथ बंद हुआ. यूरोपियन बाजार देखें तो लंदन मार्केट में प्रेशर दिखाई दिया कल, लेकिन हालांकि फ्रांस और जर्मन मार्केट पॉजिटिव नोट के साथ बंद हुए. एशियाई मार्केट जब आज ओपन हो चुके तो एसजीएक्स निफ्टी 49 पॉइंट की गिरावट दिखा रहा है, और निक्के जापानीज इंडेक्स, हांगकांग मार्केट और चाइना मार्केट में थोड़ा सा प्रेशर दिखाई दे रहा है. ग्लोबल बाजार में भी थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिल रहा है. चलते हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर. क्वार्टरली चार्ट से शुरू करेंगे. ये अभी हाफ ईयर 2019 का आधा साल बीत चुका है, दो क्वार्टर्स हो गए, तो क्वार्टरली एनालिसिस भी करेंगे. बड़े टाइम फ्रेम के चार्ट में थोड़ा पिक्चर, थोड़ा व्यू है वो क्लियरली दिखाई देता है. ये क्वार्टरली चार्ट है, यानी एक कैंडल 3 महीने का हाई, ओपन, लो और क्लोज वैल्यू हमें प्रेजेंट कर रहा है. एक कैंडल 3 महीने का हाई, ओपन, लो और क्लोज हमें प्रेजेंट कर रहा है. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 2008 का ये फॉल था, तभी इसने फर्स्ट टाइम 20 ईएमए को ब्रेक किया था क्वार्टरली चार्ट में. उसके बाद 10 साल के बाद इसने अभी तक ये 20 ईएमए को ब्रेक नहीं किया है. यहाँ पर कंटिन्यूस अपसाइड का ट्रेंड ही यहाँ पर बरकरार है. जब भी थोड़ा फॉल आता है तो 20 ईएमए के पास ये देखिए सपोर्ट टेस्ट करता है और फिर से ये बाउंस बैक दिखाता है. तो 20 ईएमए ये अभी फिलहाल यहाँ पर सपोर्ट का काम कर रहा है क्वार्टरली चार्ट में. अगर मैं इसे लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर दूं और बॉटम्स को पकड़कर अगर हम यहाँ से ट्रेंड लाइन को अगर ड्रॉ करते हैं, ये ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ कर दिया, 3 बॉटम्स यहाँ पर मिल रहे हैं, 1, 2, 3, तो ये लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन है. अभी तक ये ब्रेक नहीं हुआ, इसके ऊपर ये निफ्टी इंडेक्स ट्रेड कर रहा है. और एक अगर ये लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन बनती है तो यहाँ से ये दूसरा बॉटम पकड़ के अगर ये ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पर ये मिड टर्म ट्रेंड लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं. तो यहाँ पर भी हमें 3 पॉइंट मिल रहे हैं, ये 1, 2 और 3. तो अभी तक इस ट्रेंड लाइन को इसने ब्रेक नहीं किया है, ठीक है, इस ट्रेंड लाइन को,
ब्रीज ने अभी तक ब्रेक नहीं किया। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इस ट्रेंड लाइन के पास आके बाउंस बैक दिखाया था इसने। ये कभी का कैंडल था तो दिसंबर यानी अक्टूबर नवंबर दिसंबर 2018 का ये कैंडल है, तो इस वक्त भी इसने यहाँ पर ये सपोर्ट टेस्ट करके बाउंस बैक दिखाया था। तो अगर ये ट्रेंड लाइन एज पर क्वार्टरली चार्ट अगर ये ब्रेक होता है तो और यहाँ से पैनिक दिखाई दे सकता है। लेकिन हालांकि अभी इस ट्रेंड लाइन का एनालिसिस करें तो यहाँ पर अभी भी अपसाइड मूव बरकरार है। आरएसआई भी 70 के लेवल के पास आ गया है। आप देख सकते हैं ये कई सा मतलब 2014 से ये ऑलमोस्ट 70 लेवल के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, तो ये अपसाइड अभी भी यहाँ पर बरकरार है। ये करेक्शन है तो यहाँ से अपसाइड मूव की पॉसिबिलिटीज है, हालांकि जब तक ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं करता तब तक, ठीक है। तो ये है क्वार्टरली चार्ट का इस समय का एनालिसिस। चलते हैं वीकली चार्ट में। ये ट्रेंड लाइन को मैं डिलीट कर देता हूँ फिलहाल, सॉरी ये है वीकली चार्ट। यहाँ पर 50% का जो हमने फिबोनाची रिट्रेसमेंट का लेवल ड्रॉ किया था, इसका 50% का लेवल इसने ऑलमोस्ट यहाँ पर अचीव किया 11,053 के पास। और यहाँ पर ये जो पास्ट में इसने कंसोलिडेशन फेज यहाँ पर बनाया था, इसका अपर बैंड भी 11,000 के पास आ रहा है। तो इस अपर बैंड और ये 50% का फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल एक ही लेवल के पास आ रहा है, तो यहाँ पर ये सपोर्ट टेस्ट कर रहा है। उम्मीद की जा सकती है कि यहाँ से बाउंस बैक हो। अगर नहीं होता बाउंस बैक यहाँ से, अगर ये लेवल भी ब्रेक होता है तो हमें नीचे 10,800 के लेवल दिखाई दे सकते हैं। 10,800 के लेवल के पास 100 EMA भी आ रहा है वीकली चार्ट का, तो यहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा 10,800 के पास अगर 11,000 के लेवल्स को ब्रेक करता है तो। अभी फिलहाल टोटली डाउन ट्रेंड शुरू है, जो भी पुल बैक आ रहा है कम बैक आ रहा है बुल्स ट्राई कर रहे हैं वो एक शॉर्ट कवरिंग हो सकता है, ठीक है। जब तक ये मूविंग एवरेज इसके ऊपर नहीं चला जाता, ये 20, 50 और 100 जो कि शॉर्ट टर्म मिड टर्म लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज है, इसके ऊपर जब तक ये चला नहीं जाता तब तक यहाँ से अपसाइड स्ट्रॉन्ग अपसाइड आना काफी मुश्किल लग रहा है। तो यह है वीकली चार्ट का सिनेरियो। चलते हैं डेली चार्ट में। डेली चार्ट में कल एग्जैक्ट इसने 200 डेज का ये जो ब्लैक लाइन है ये 200 डेज का सिंपल मूविंग एवरेज है, यहाँ पर इसने एग्जैक्ट कल रेजिस्टेंस फेस किया। तो अभी 11,150 के पास ये 200 डेज का सिंपल मूविंग एवरेज आ रहा है। इसके ऊपर अगर ये जाता है तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस होगा ये 150 डेज का सिंपल मूविंग एवरेज, जो कि अराउंड 11,340 के पास आ रहा है। ऑलमोस्ट 300 पकड़ लेते हैं ऊपर, 11,300 का ये लेवल हमें दिखाई दे सकता है अगर ये 200 डेज के मूविंग एवरेज को क्रॉस करता है तो, ठीक है। ये है डेली और वीकली और क्वार्टरली चार्ट का एनालिसिस। चलते हैं 60 मिनट के चार्ट में। आज के लिए इंट्राडे लेवल्स को आइडेंटिफाई करते हैं। ये 60 मिनट का चार्ट है। अभी ये 20 EMA के पास ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, तो अगर ये कल का हाई जो इसने बनाया था ये अराउंड 11,145 के पास था, अगर इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो ये इंट्राडे के लिए हम बाय पोजीशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 11,175, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा ये 11,197, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। और अगर टूवर्ड साउथ की तरफ मूव करता है तो यहाँ पर ये पिवट पॉइंट का ये जो लेवल है ये एग्जैक्ट जो 30th July यानी परसों का ये जो क्लोज था इसी के पास ही ये लेवल आ रहा है, और इसने कल यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया था 2 घंटे। तो ये लेवल अगर ब्रेक होता है 11,085 ये अगर ब्रेक होता है तो ही इंट्राडे के लिए हम शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 11,055, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा 11,029, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो ये आज के लिए निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स। अगर आपको ये वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूले। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।